झारखंड के चक्रधरपुर के पास आज सुबह करीब 4 बजे एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल के करीब 20 डब्बे पटरी में पटरी से उतरे और उनके उतरने से जो हादसा हुआ उसमें अब तक जो डेथ टोल है 2 की मौत का सामने आया, जबकि करीब 20 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए हैं। जानकारी मौके पर राहत बचाव कार्य जारी, हादसे की जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं। रेलवे ने हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जो कि हम लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन एक और रेल हादसा हुआ है और ऐसे में रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल, 2 लोगों की मौत हुई है। झारखंड के चक्रधरपुर में ये रेल हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि 20 लोगों के घायल होने का आंकड़ा रेलवे की तरफ से दिया गया है। हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी थी कि वहां स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 35 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। हादसा बड़ा बंबो और राजखरसावा स्टेशन के बीच में हुआ है। तो हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही रेलवे ने हादसे के बाद तमाम हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया है। जी न्यूज उन हेल्पलाइन नंबर्स को सुबह से जब से इस हादसे की खबर आई है हम उन नंबर्स को फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप अपने अपनों का हालचाल ले पाएं। 14 डब्बे पटरी से उतर गए, एक बड़ा हादसा करीब सुबह 4 बजे के आसपास ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। 20 डब्बे देखिए जो अपडेट आ रहा है, पटरी से उतर जाने से अब तक जो 2 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा यात्रियों के जख्मी होने की जानकारी, जांच के आदेश जारी हो चुके हैं और मौके पर राहत बचाव दल पहुंचा हुआ है लगातार मलबा हटाने का और अगर लोग उसमें फंसे हैं उनको निकालने का, और एम्बुलेंस की तमाम टीम्स, डॉक्टर्स की टीम्स वहां पर डिप्लॉयड है ताकि फर्स्ट एड इनको प्रदान किया जा सके। ये तस्वीरें लगातार घटनास्थल से सामने आती है। तो हावड़ा मुंबई मेल जो कि पटरी से उतर गई है, झारखंड के चक्रधरपुर के पास ये भीषण हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि पहले एक मालगाड़ी डीरेल हुई थी और उसका एक जो डिब्बा था वो दूसरे साइड के ऊपर पटरी पर आ गया था और उसी से टकरा करके यह हादसा हुआ। बहुत बड़ी लापरवाही, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसको लेकर की जानकारी हमें आपको दे दें। पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल जो कि चक्रधरपुर झारखंड के पास यह हादसा हुआ है। सुबह करीब 3:45 पर यह हादसा हुआ है। तो राजखरसावा और बड़ा बंबो के बीच में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, रेलवे हादसा। और अगर हम बगल वाले ट्रैक की बात करें उस पर मालगाड़ी और मालगाड़ी के डब्बों पर यह था तिरपाल और जो हादसा हुआ है उसको लेकर हम तमाम डिटेल्स आपके पास पहुंचा रहे हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। मुंबई मेल के इंजन पर यह तिरपाल फंस गया था, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक्स को लगाया लेकिन जिस तरीके से मंजर हम देख पा रहे हैं बड़ा हादसा हुआ है झारखंड में और बीते कुछ महीनों में लगातार दूसरा तीसरा हादसा है जो कि झारखंड में रेलवे का सामने आया है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई लेकिन हादसा हो गया है, ये सूत्रों के हवाले से सारी डिटेल्स जी न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। तो झारखंड के चक्रधरपुर में भीषण हादसा हुआ है। जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, मरने वालों की संख्या 2 बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या रेलवे की तरफ से 20 जानकारी दी गई है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? और ये भी अगर बता सकें कि क्या हादसे की असल वजह वही तिरपाल फंसना है या कुछ और हो सकता है? देखिए चंदन, जो खबरें आ रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा घायल है, लेकिन सभी घायल को जो नजदीकी अस्पताल है रेलवे का हॉस्पिटल 120 का स्पीड, ड्राइवर का कहना है, बस ड्राइवर मैसेज था गाड़ी डिरेल्ड हो गया, तो हमने उतर के देखा, हमको भी झटका मिला कि कहा मैं भी खड़े खड़े फेंका गया, समझे ना, हल्का चोट आया हमको लेकिन असिस्टेंट और ड्राइवर को ज़्यादा चोट क्योंकि वो लोग आ गए थे। यही है अभी तक जो सर कैजुअलिटी का कहना है कि ऑनलाइन में वो जो मालगाड़ी पहले से अफेक्टेड था जिसके वजह से सडनली माने इन द मेन टाइम हुआ हम लोग पहुंच गए, यही कारण यहाँ पर ही है। और क्या अभी तक जो बाकी आला अधिकारी जो बोले है ना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो डेथ टोल है उसका आप जिक्र कर रहे थे, हादसे पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये बताइए, चूंकि बड़ा हादसा हुआ है, कई डब्बे जो है वो डीरेल हो गए हैं, लिहाजा कुछ रेलवे रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी? जी, कुछ रेलवे रूट को डाइवर्ट किया गया है आसपास क्षेत्र के, बताइए नीरज। जी, कुछ रेलवे रूट को वहां पर डाइवर्ट किया गया हो, लेकिन एक में जो जानकारी आ रही है ये हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन एक शुक्र है ये कि नीचे एक नाला टाइप, रेलवे के बगल में एक नाला टाइप, जब रेल पटरी के तरफ एक नाला था
वहां पर जाके जो डब्बे हैं वो वहां पर रुक गए, तो उसके बाद जो एक बड़ा हादसा होते होते वो बच गया। वो समझिए कि एक जो वहां के स्थानीय लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसके मुताबिक वहां पर वो जो हादसा उस नाले के कारण बड़ा हादसा होते होते एक रुक गया है। तो एक कह सकते हैं आप कि वो नाला जो है जो रेलवे पटरी के नजदीक हुआ वो उन्होंने। धीरज ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी तमाम देने के लिए। हालात पर नजर, जी न्यूज की लगातार बनी है।